से आपने मैंने अपना बयान दिया जैसे आपने कहा अभी आपको शेल्टर होम में रख रहे हैं तो फिर अब जिला जब आएगा फैसला जो होगा तब के तब देखी जाएगी। अभी रो क्यों रही है? शेल्टर होम तो ठीक है आपके लिए सेफ है। नहीं मुझे मेरा खावन के पास जाना है, यहाँ नहीं रहना। अच्छा एक मिनट जरा खड़े हो, जरा सा मेरा कैमरा मैन दिखाए बेटा, नींद दिखाओ। ये देखें ये बच्ची जो है इतनी बड़ी हील पहनी हुई है, उसके बाद इसके कदों खाल भुट्टे में छुपा हुआ है, उसके बावजूद इसकी उम्र का तायुन नज़र आ रहा है हमें कि इंतहाई छोटी बच्ची है। चलिए बेटा टेंशन नहीं ले आप। सबसे पहले तो ये जो आज केस में हम अपियर हुए थे जिसमें अब्दुल्ला मुदय्यर 69/2023 थाना शाह फैसल कॉलोनी, उसमें एबडक्टी को रिकवर कराया गया है और एबडक्टी की आज 164 रिकॉर्ड कराई। पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हम 5 वकील अपियर हुए, आर्ग्यूमेंट किए, जिसमें बच्ची की एज जो है वो 15 ईयर्स थी और इट शोज दैट के शी इज़ अ माइनर अंडर एज and she has no right to take a decision whatever the wrong or the right. Therefore, after the argument, judge ने हमें वो कस्टडी जो है हमारी रिक्वेस्ट प्रेयर पे एप्लीकेशन जो फाइल की थी उसके बुनियाद पे बच्ची की कस्टडी जो शेल्टर होम में ट्रांसफ़र कर दी है। मज़ीद उस पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आर्डर किया है और आर्डर के लिए सर्टिफाइड अप्लाई किया है। इंशाल्लाह होपफुल हैं कि इंशाल्लाह बच्ची जो है वो एक ग्रोह है, एक टोला है जो यहाँ से सिंध की बच्चियों को अगवा करके ले जाकर पंजाब में उनके साथ निकाह जाली निकाह करते हैं। छोटी बच्ची जो होती हैं उनको अक्सर करके ये ट्रिप करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अच्छा अब ये है कि बच्ची का पहले मेडिकल होगा और जब तक मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक शेल्टर होम में रहेगी? बिल्कुल, बच्ची की मेडिकल के लिए आईओ को डायरेक्शन दी है कि ओसीफिकेशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाए और बच्ची के वालिद की जो शादी थी वो 2011 में हुई है, वो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया और बच्ची अभी तक इसकी उम्र ही नहीं है कि बच्ची शादी करे इस उम्र में, और बच्ची की जब तक एज डिटरमाइन नहीं होती तब तक बच्ची शेल्टर होम में रहेगी और तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। आईओ को डायरेक्शन दी है कि नेक्स्ट तारीख को आप ओसीफिकेशन टेस्ट और तमाम तो डॉक्यूमेंट्स का लेकर के मौजूद हैं। आपके लिए बड़ी खबर है कि आज आपकी बच्ची को शेल्टर होम मुंतकिल करने का अदालत ने हुक्म दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, मैं बहुत रो रही थी। आप सबकी दुआएं हैं और मेरी बच्ची सामने आई है माशाल्लाह से। भाई ये है कि मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची सामने आ गई और जो गैंग है इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको यहाँ लाया जाए, इनको मतलब इनको सजाएं दी जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि बच्ची इधर कराची पहुँच चुकी है, मुझे ये सुकून है। 2 महीने से हमें नहीं पता था कि हमारी बच्ची का है, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसी से खुश हूँ कि हमारी बच्ची सामने आ गई। आपकी बच्ची भी जज्बाती हो गई आखिर में, आप तो बिल्कुल उनकी माँ हैं। आपकी बच्ची कह रही थी कि मुझे शेल्टर होम नहीं जाना था, तो आप क्या समझती हैं कि जो उनकी बातें हैं, जो उनका लहजा है, क्या वो प्रेशर में है, ब्लैकमेल है? पहले भी घर में भी ऐसी बातें करती थी? नहीं, घर में हमारी बहुत सादा सी बच्ची है, बहुत मासूम सी बच्ची है, कभी ऐसी बातें नहीं करी हैं। सब उनकी बातें हैं, उनकी जुबान है, हमारी बच्ची की ये अल्फाज नहीं है, हमारी बच्ची की ये बातें नहीं है, हमारी बच्ची नहीं बोल सकती ऐसा, सब उनके, क्योंकि 2 महीने से उनके पास उन्होंने ब्रेन वॉश किया है और बच्ची की
नाक छिदवाया गया है, मेकअप करके बड़ा बनाया गया है। आपने उनकी हील देखी, उनकी हाइट देखी आप मेरी बच्ची की कितनी छोटी है। वो जितनी भी कोशिश कर लें वो बच्ची है, बच्ची ही रहेगी, 18-20 साल की लड़की नहीं बन सकती। मैं क्या है, मैं वो सो रही थी तो हम लोगों ने शादी में जाने तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने, तो क्या है मैंने इनको 4-5 दफा बोला कि अभी पाँव हटा लो, तो हटा नहीं रही थी, तो क्या है मैंने हल्की सी इस्त्री लगा दी थी। अच्छा, तो घर में लड़ाई वड़ाई होती रहती थी आप? जी। अच्छा, अब आपकी जो बहन है, आप ही है, वो शेल्टर होम में है, अब आपके पास भी आने वाली है, खुश हैं आप? जी बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया।